आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेदू बड़ा की रेसिपी। ये मेदू बड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और आप कभी भी खा सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये साउथ इंडियन रेसिपी है और इसको सभी पसंद करते हैं। और तो चलिए बताती हूँ कैसे बनाया है मैंने। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा सकती हूँ ये कितना अच्छा एकदम क्रिस्पी बना है। मैंने जैसे बनाया है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके मेदू बड़ा इतने अच्छे ऊपर से क्रिस्पी नीचे से सॉफ्ट बनेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ। तो चलिए आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। मेदू बड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है उड़द धुली दाल, बोलते हैं इसको। ये उड़द की दाल है और इसको हमें रात में भिगो देना है, या 3-4 घंटे आप भिगो सकते हैं गर्म पानी में। उसके बाद इसका पानी हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसको हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड हम स्मूथ ग्राइंड करेंगे और उसको हमें धीरे धीरे करके ग्राइंड करना है, बिल्कुल एकदम से नहीं करना है। और पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अगर थोड़ा ड्राई लगे तो आप 1/2 चम्मच का यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का हमने ये बनाया है इसका पेस्ट। तो इस तरह का पेस्ट हमें चाहिए, आपको मैं दिखाती हूँ। इतना चाहिए और एकदम थोड़ा सा कण हो तो चलेगा। और ऐसे ही मैं पूरे दाल को ग्राइंड कर लूँगी, फिर मैं आपके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा दाल को ग्राइंड कर लिया है और इस तरह का होना चाहिए। इसको इस तरह का अगर आप रखेंगे तो आपके मेदू बड़ा एकदम अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है, एकदम फ्लफी कर लेना है जब तक हल्का ना हो जाए। अब इसके अंदर हमने ये लिए हैं कुछ करी पत्ते। करी पत्ते को मैंने ऐसे तोड़ लिया है, जिंजर ग्रेट करके लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया हींग, और यहाँ पर ये ग्रीन चिली, कोरिएंडर चॉप किया हुआ, और थोड़ा सा मैंने लिया है चावल का आटा। तो ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया था, और ये इस तरह इसका टेस्ट कर लेंगे। अगर ये गिरता नहीं है मीन्स की एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने ये लिया है 1/2 बाउल के करीब चावल का आटा। चावल का आटा डालने से हमारा जो मेदू बड़ा है एकदम क्रिस्पी बनता है, ये इसका सीक्रेट है। तो यहाँ पर अब मैंने जो चीज़ें ली थी वो डाल दूँगी। यहाँ पर करी लीफ डाल दिया, ये मैंने जिंजर डाल दिया, यहाँ पर मैंने थोड़े पेपर पाउडर लिया है, उसके बाद यहाँ पे चॉप किए हुए ग्रीन चिली, उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी जीरा, हींग। ये चीज़ें डाल के हमको अच्छे से इसको मिक्स करना है, और यहाँ पे चॉप किए हुए कोरिएंडर को भी डाल दिया है मैंने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने साल्ट ऐड कर लिया है टेस्ट के अनुसार। अब इसके अंदर इस 2 चम्मच गरम तेल जिसमें हम तलेंगे, वो गरम तेल इसके अंदर हम डाल लेंगे, जिससे कि बड़े एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे बनेंगे। तो अब हम बड़े बना के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें हाथ में पानी लेना है, पानी लगा लेना है पहले, ताकि ये जो पेस्ट है वो चिपके नहीं हाथों में। तो इस तरह से हमें कर लेना है, एक बॉल बना लेना है, और उसके बाद हाथों के हेल्प से थोड़ा सा दबा लेंगे और फिर बीच में इसके होल कर लेंगे इस तरह से। और क्योंकि हमने हाथ में पानी लगाया है तो बहुत आसानी से इसको हम तेल के अंदर डाल सकते हैं। इसी तरह से हम बना के रख लेंगे, फिर एक साथ मैं आपको दिखाती हूँ डाल के। तो अभी देखिए इसी तरह से मैं दूसरा भी आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये भी देखिए बन गया है। तो इस तरह से मैंने सारे मेदू बड़ा रेडी कर लिए हैं। तो अब इस तरह से तेल लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, और हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो जल जाएगा और क्रिस्पी भी नहीं होगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से हमें करना है। तो अब मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ सारे मेदू बड़ा को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जितने आए आप एक साथ उतने डालें, जितनी आपने तेल डाला हुआ है उस हिसाब से। अब इसको हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साइड हो गया है तो पलट लिया है, और जो गैस की फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रखनी है, क्योंकि जितना हम अच्छे से इसको पकाएंगे उतना ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा। तो अभी हम इसको इसी तरह से धीमी आंच पे ही सेक लेंगे मेदू बड़ा को, और अभी देख सकते हैं एकदम कलर चेंज हो गया है और मेदू बड़ा एकदम परफेक्ट तरीके से तल गया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है, बहुत टेस्टी। और इसको हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू पेपर पे आ जाए।
उसके बाद इसी तरह से हम दूसरा बैच भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बैच को भी डाल दिया है, और डालने के बाद तुरंत नहीं छूना है, और उसके थोड़ी देर के बाद जब एक साइड से हो जाए फिर हमें इसको उसको पलट लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे जो मेदू बड़ा हैं वो सारे रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी है ये, और कितना अच्छा इसमें आवाज़ आ रहा है, और इतना सॉफ्ट है अंदर से, और जाली भी आप देखिए कितना परफेक्ट आई है और एकदम क्रिस्पी है। और यहाँ पे आप इसके अंदर चॉप ओनियन भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो, क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती है तो मैं अंदर आता है तो एक एक निकलवा देती है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है, चॉप किया हुआ ओनियन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेदू बड़ा को सांभर और चटनी के साथ सर्व किया है। तो यहाँ सांभर की रेसिपी और चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है पहले से, तो उसका रेसिपी मैंने नहीं दिया है यहाँ पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो पुष्पलता किचन 15 आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर, अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। और तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल नहीं भूला करें, लाइक से एक लाइक आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी मेरी रेसिपी पसंद आई है, अगर आपको पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।